क्लास 11, मोहम्मद आवेज दिस साइड। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि आपकी हॉर्नबिल बुक से रिलेटेड करता है, जिसका नेम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये आपका सेकेंड चैप्टर है हॉर्नबिल बुक का ऑफ क्लास 11। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टडी रीड करते हैं। देखिए, मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा इसका ब्रीफ रिव्यू देना चाहूँगा कि चैप्टर एक्चुअली बेस्ड है किस चीज़ पर, यानी व्हाट इज़ द बेसिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए, जैसा कि हम लोग टॉपिक के नेम से पढ़ सकते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो यानी कि इसमें हम एक ऐसी सिचुएशन पढ़ने वाले हैं कि जिसमें हम एक फैमिली का मतलब एक टुगेदरनेस देखेंगे, जिसकी वजह से, जिसकी यूनिटी की वजह से वो एक काफ़ी ड्रास्टिक सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे। तो आइए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन, डॉटर सुजेन एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ। देखिए, यहाँ पर एक सिचुएशन बताई गई जो कि 1976 की है, और यहाँ बोला जा रहा है कि मेरी वाइफ मैरी, सन जोनाथन, और यह जो नंबर्स देखे दिए हुए ना आपको यहाँ पर ए नेम्स के आगे, ये 6 और 7, ये इन बच्चों की एज है, यानी कि जो उसका सन है वो 6 ईयर ओल्ड है और डॉटर जो है सुजैन वो 7 ईयर ओल्ड है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम कुक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैरी एंड आई, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, हैड अ ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर पास 16 ईयर वी हैड स्पेंड ऑल आर लेजर टाइम हॉन्गिंग आर सीफरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स। देखिए, अब यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है, यहाँ एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन जो है वो बता रहा है कि मतलब उसका सपना है कि जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले एक बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने पूरे दुनिया का, मतलब पूरे वर्ल्ड का एक वॉयज करा था, यानी कि थ्रू द सी, तो ऐसी उसका भी एक ड्रीम था कि मतलब वो भी अपनी वाइफ और फैमिली के साथ ऐसा ही कुछ करे, और इसी वजह से वो अपना लेजर टाइम यानी कि फ्री टाइम जो है वो अपना इन्हीं कामों में स्पेंड करता था, यानी कि सी फेयरिंग स्किल्स में ही लगाता था, यानी कि जो ऐसी स्किल्स सीखना है जो मतलब समुंदर में जहाज़ पर जाने वाली। अवर बोर्ड वेव वॉकर आर 23 मीटर, वेव वॉकर मीन्स स्टूडेंट्स एक लकड़ी की बनी हुई काफ़ी बड़ी बोर्ड जो कि वो इतने 23 मीटर और 30 टन वुड हर्ड ब्यूटी। देखिए, यहाँ पर इस वेव वॉकर का हमें क्या बताया गया है, वेव वॉकर का हमें डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि उसका वेट कितना, कितनी बड़ी है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, बहुत अच्छी तरह बनाई गई। वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट विद इन द रफेस्ट वेदर वी गुड फाइंड। अब यहाँ बता रहे हैं कि महीनों से इसको बनाने में लगे हुए थे और रफेस्ट वेदर में इसको ट्राई करते थे। द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टू गॉन टू क्रूमैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब साइक्लर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी द सदर्न इंडियन ओशन। अब देखिए, इनका इरादा था कि सदर्न इंडियन ओशन को पूरा कवर अप कर ये कहीं जाए, और इन्होंने बताया कि द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, यानी कि ये इतनी जर्नी जो है पास्ट कर चुके थे अफ्रीका टू केप टाउन। अब इनका इरादा था इंडियन ओशन में जाने का। आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक दे ब्लू कंटिन्यूसली। अब देखिए, जैसे ही केप टाउन से निकले तो इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा हवाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग हवा जो कि समुंदर में हमेशा चलती रहती हैं और काफ़ी हफ्तों तक वो चलती रही लगातार। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ वेव वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर एज हाई एज अवर मेन मास्ट। इनको देखिए, गेल्स की कोई टेंशन नहीं थी, यानी कि तेज़ हवाओं की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन इसको टेंशन थी जो उनकी तरफ वेव्स का साइज़ बढ़कर बार बार आ रहा था, जो कि अलार्मिंग साइज था 15 मीटर्स तक, यानी 15 मीटर तक वो साइज बढ़ सकता था। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। देखिए, 25 दिसंबर तक ये 3,500 किलोमीटर आ चुके थे केप टाउन से ईस्ट तक। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, यानी काफ़ी ख़राब वेदर होने के बाद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। देखिए, न्यू ईयर तक ये आ चुके थे, यानी कि 1 जनवरी तक इन्हें वेदर में कोई चेंज नहीं दिखा था, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि ये जो है जल्दी ही चेंज हो जाएगा। एंड इट चेंज फॉर द वर्स, और इनको ये पता था कि वर्सली चेंज होगा, यानी कि और ख़राब हो जाएगा। एट डॉन ऑन 2 जनवरी, डॉन ऑन 2 जनवरी मीन्स यानी कि मतलब जब दिन निकला 2 जनवरी का, द वेव्स वर गिगेंटिक, वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर
स्टिल मेकिंग 8 knots. अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 जनवरी तक वेव्स और बड़ी होती जा रही थी. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें समुद्र की चीखें सुनते हुए ये इन्हें ऐसा मतलब फील हो रहा था कि इनकी तरफ समुद्र की लहरें लगातार बढ़ रही थी और इनके कानों के लिए वो काफ़ी पेनफुल था, काफ़ी दर्दनाक था. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिप एंड लैस्ड अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. देन वी डबल डैश्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन स्टोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स वर एंड वेटेड. अब देखिए जैसे जैसे इन्हें फील हो रहा था कि इनकी तरफ खतरा बढ़ रहा था तो इन्होंने अपनी लाइफ जैकेट और राफ्ट जैकेट्स का मतलब अरेंजमेंट किया और उसको मतलब एकदम तैयार रखा कि जैसे ही अगर इनके पास कोई गड़बड़ी होती है तो ये उसको फ़ौरन ऑक्यूपाई कर लेंगे. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM. पहली इंडिकेशन जो डिजास्टर की आई वो लगभग 6 बजे आई एक बहुत मनहूस साइलेंस के साथ. ओमिनस साइलेंस मीन्स मनहूस साइलेंस. द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क. हवाएं चलने लगी का इसका आसमान काला पड़ चुका था और बहुत ज़्यादा आवाज़ें मतलब आ रही थी तूफान के आने की और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बादल भी आ गए थे. काफ़ी ज़्यादा डर के साथ इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये बादल नहीं थे बट अ वेव लाइक नो अदर आया है और ऐसी वेव थी जो कि इन्होंने कभी नहीं देखी थी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव. बहुत क्लियरली वो वेव इन्हें वर्टिकली दिख रही थी अपने सिर के ऊपर और लगभग दुगनी बड़ी थी वो जैसे पहली वेव जी सब कुछ देख चुके थे और ये इनके लिए काफ़ी फ्राइटफुल था यानी काफ़ी डरावना था. द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर द मूवमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक. अब देखिए कि एक काफ़ी बड़ी वेव आई आवाज़ों के साथ और इन्हें ये लगा कि ये उसको मतलब सर्वाइव कर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एक बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस एक बहुत ज़्यादा खौफनाक एक्सप्लोजन हुआ और जिससे कि इनका डेक टूट गया. डेक मीन्स जो जहाज़ की छत होती है वो इस डेक यानी टूट गया था. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. फिर पानी शिप के ऊपर आने लगा. माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील. इनका सर जो है वो व्हील में जाके लगा एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. और इनको ऐसा लग रहा था कि मतलब वेव्स में जो है ये सिंक हो जाएंगे. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. इन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल यही सीन बन रहा था और अपनी कॉन्शियसनेस ये खो रहे थे यानी कि बेहोशी सी आ रही थी और इन्हें जो है आसपास सब शांति सी दिखाई देने शांति सी सुनाई देने लगी. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ अ वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे. वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. देन अ वेव हर्ल्ड अप हर अपराइट माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट. आई ग्रैब्ड अ गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम. अब देखिए यहाँ के बताया जा रहा अनएक्सपेक्टेड था इनका मतलब ये इनका सर ऊपर आ गया था यानी कि पानी के ऊपर आ गए थे. काफ़ी मीटर्स बाद वेव वॉकर जो है वो मतलब लगभग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया था अपनी वापस और उन्होंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया था और मतलब सारी जो भी प्रिकॉशंस ले सकते थे वो सब इन्होंने ले लिए थे. अब आगे बढ़ते हैं. सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. अब देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब बन चुकी थी ये इनका शिप टूटने की वजह से. ये एक जगह टिक नहीं पा रहे थे इधर उधर हुए जा रहे थे जिसकी वजह से इनके रिब्स क्रैक्ड हो गए थे और इनके मुंह में से काफ़ी खून आ रहा था. इनके दांत भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे. सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. कैसे भी करके इन्होंने उसका व्हील ढूंढा और उस पर ये जो है लटक गए थे. वाटर वाटर एवरीवेयर हर तरफ पानी हो गया था. आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर ब्लो बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपेयर्ड. वी वर सिंकिंग शी स्क्रीम. देखिए यहाँ पर जब ये सब सिचुएशन चल रही थी एकदम से मैरी यानी कि इनकी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो बोल रही थी कि वो चीख रही थी कि हम लोग डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड वी वर फुल ऑफ वाटर. डेक्स जो है यानी कि पूरा जहाज़ वो स्मैश हो चुका था और ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें पानी में डूब रहे थे. टेक द व्हील आई शाउटेड एंड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. और इन्होंने चीखते हुए कहा फादर ने कि मतलब आप लोग सब व्हील को पकड़ लीजिए. लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर. अब देखिए जहाज में जितना भी सामान था सारी क्रॉकरी कपड़े चार्ट्स जितना भी सामान था सब पानी में स्लॉश्ड हो गया था. सब पानी में गहराई में चला गया था. आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन.
ये बहुत मुश्किल से स्विम कम कर पा रहे थे, हाफली स्विम करा इन्होंने, और क्रॉल करते हुए अपने चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के कैबिन में गए और वहाँ जाकर पूछा कि आप लोग सब ठीक हैं, और दे उन्होंने कहा कि बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड। इनका जो बेटा था उसने बोला कि मेरे सिर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फ़िलहाल इंजरीज को तवज्जो ना देते हुए इन्होंने अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने जल्दी से कैनवस वगैरह निकाला, हैमर ढूंढकर स्क्रू निकालकर डेक को मतलब कवर अप करने की कोशिश करी सो दैट उसमें वाटर फिल ना हो पाए। विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव विद दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। देखिए वहाँ पर इनसे जितना और जैसे जो पॉसिबल हो सकता था टू सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग इन्होंने वो किया, और इनके रिपेयर करने की वजह से ये थोड़ा वहाँ पर सर्वाइव भी कर पाए। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रैच कैनवस एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैश कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम ब्लो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। देखिए सारे मतलब इनके जो कैनवस से जो इन्होंने कवर किया शिप को और जो वाटर प्रूफ करने की कोशिश करी इन्होंने होल्स को, जो वहाँ पर गैप्स आ गया था उसमें से फिर भी कुछ पानी आ रहा था, लेकिन काफ़ी सारा पानी फिर भी शिप से बाहर जा चुका था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज वैन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप एंड द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। देखिए इनके हैंड पम्प्स से जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, जब वो ख़राब होने लगे और इनके कैबिन्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक मतलब क्या कहना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी वायरिंग थी सब शॉर्ट सर्किट होने लगी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली ब्रैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैज़ बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल द जिब द डिंगहाइज एंड द मेन एंकर। अब देखिए जितने भी इनकी शिप का सामान था, एंकर वगैरह जो भी शिप के पार्ट्स थे वो सब ख़राब होने लगे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर इन्हें ध्यान आया कि इनके पास एक और इलेक्ट्रिक पम्प है चार्ट रूम फ्लोर में। आई कनेक्टेड टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। इन्होंने उस इलेक्ट्रिक पम्प को कनेक्ट करा और ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल हुए ये देख कर कि वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्पिंग स्टेयरिंग एंड वर्किंग विद द रेडियो। अब देखिए देखते देखते इनका ही टाइम गुजर रहा था, काफ़ी रात आ गई थी और ये यही सारे काम करे जा रहे थे, स्टेयरिंग को संभालना और रेडियो से कोशिश कर रहे थे कि रेडियो वर्क करे, लेकिन ऐसा कोई रिप्लाई नहीं मिल नहीं रहा था। मे डे कॉल्स यानी कि स्टार्टिंग मई में की गई कॉल्स विच वॉज इन नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए वो जिस एरिया में थे यानी कि बिल्कुल बीच समुंदर पर थे तो वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था कि मतलब कनेक्टिविटी ना बन पाना। सीज हेड हेड स्वलन अलार्मिंगली। उनका जो बेटा था उसका हेड मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वलन करने लगा, यानी काफ़ी उस पर ज़्यादा सूजन आ गई। शी हैड टू अनॉमस ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब देखिए यहाँ पर उनकी जो बेटी थी अलग सुजैन, तो उसके मतलब आँखों पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैकनेस आने लगी थी और उसके आर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा कट भी लग गए थे। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडन मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस शी रिप्लाई आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। अब यहाँ पर उसके डैड ने उससे पूछा कि मतलब इतनी सारी इंजरीज से पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने बोला कि मुझे इस सब की कोई टेंशन नहीं है, मुझे अभी से आपकी टेंशन है कि आप हमें बचा रहे हैं और आपको मैं कोई परेशानी नहीं देना चाहती। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन द रोटेशन। यहाँ पर इन्होंने बताया 3 जनवरी को पम्प्स ने इतना मैनेज कर लिया था कि काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट वाटर कंट्रोल में आ गया था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोर्ड्स मेन रिप फ्रेम वर स्मैश डाउन टू द कील। इन फैक्ट देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्शन ऑफ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस दैट द वेव हिट बट वेव वर्कर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पर इनकी बोट मतलब जो वेव वॉकर था पूरा वो मैश होने लगा, सारे कबर्ड पार्टीशंस उसके सब टूटने लगे। इन्होंने लगभग वेव आने के 15 घंटे तक अपने आप को सर्वाइव करे रखा, लेकिन इन्हें पता था कि वेव वॉकर की हालत जिस अकॉर्डिंग थी उससे वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुँच सकते थे। आई चेकड आर चार्ज एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट वन ऑफ दैम। आई लाइन एम्स्टरडेम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस आर ओनली होप अस टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन
बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेडेड सो वी कुड होइस्ट सेल आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब देखिए फिर काफ़ी ज़्यादा वेव्स आई, काफ़ी ज़्यादा हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स वो आ चुके थे और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी वेव आने की वजह से उनका इंजन भी काम करना बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी पर 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब काफ़ी कम सेंटीमीटर वाटर लेवल उनके शिप में बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन टू द हल अपार्ट। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हैड इट फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। अब देखिए इन्हें पता था कि शिप ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, तो इसलिए इन्होंने शिप पर ज़्यादा लोड ना डालते हुए इन्होंने आगे की प्लानिंग करी और इन्होंने सोचा कि मैं आगे कोई आइलैंड ढूंढ रहा हूँ, और इन्हें उम्मीद भी थी कि आगे इन्हें दो आइलैंड्स मिलेंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। अब देखिए मैरी ने, उनकी वाइफ ने कुछ मतलब खाने का सामान उन्हें मिला, कुछ बिस्किट्स वगैरह और बीफ वगैरह उन्हें, और उन्होंने ऑलमोस्ट 2 डेज में अपना पहला मील लिया, यानी कि लगभग 2 दिन में उन्होंने अपना खाना पहली बार खाया। बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव एट 4 PM, ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। लगभग उसी दिन 4 बजे के टाइम पर काले बादल फिर आने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। अब देखिए विंड का लेवल जो 40 knots तक बढ़ गया था और जो सी था वो काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल बढ़ने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। फिर से 5 जनवरी की डॉन पर, यानी कि 5 जनवरी की शुरुआत पर उनकी सिचुएशन खराब होने लगी। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। अब यहाँ पर उसके बेटे, यानी काफ़ी ज़्यादा छोटा था वो, इवन ही वॉज 6 ईयर ओल्ड, बहुत ज़्यादा मासूम था वो, तो इसलिए उन्होंने अपने फादर से पूछा कि क्या डैडी हम मतलब मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेट इट, लेकिन उसके फादर ने उसे अश्योर करा कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हम ज़रूर इससे बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर एंट अफ्रेड ऑफ डाइन इफ वी ऑल बी टुगेदर, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेकिन उसने फिर बोला कि डैडी मुझे इससे कोई डर नहीं लगता, अगर हम साथ हैं तो मुझे डाई होने से भी डर नहीं लगता। यू एंड मम्मी सी यू एंड आई, यानी कि उसकी मम्मी और उसके डैडी उसके साथ थे, उसकी सुजैन सिस्टर उसके साथ थी और वो खुद। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विश टू रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पर जो उनके फादर थे तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ और उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पर। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटर्मिन टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीक एंड स्टारबोर्ड साइड। आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनमैनेज पोर्ट फुल फेसिंग हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग द इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 2 22 लीटर प्लास्टिक बैरल और पैराफिन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सोचा कि इन्हें हिम्मत नहीं हारनी थी, इन्होंने कोई पुराना एंकर निकाला सीखा और कोई 22 लीटर प्लास्टिक बैग्स को निकाल कर इन्होंने जितना पानी से बाहर फेंका जा सकता था इन्होंने किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लान्स, वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज नियर। अब देखिए शाम में मैरी और वो एक दूसरे के पास बैठे और वो इसी बात को खामोशी से लेकर और डर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा पानी उनकी शिप में फिर से आ चुका था और प्लैंक्स वगैरह उनके सब टूट गए थे शिप के और उन्हें लग रहा था कि उनका एंड नियर है। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग। अब देखिए 6 जनवरी पर विंड जो है ईज होने लगी, यानी कि हल्की होने लगी। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बट इन द चार्ट रूम। देखिए सेक्सटेंट मीन्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू एंगल्स के थ्रू डायरेक्शन का पता चलता था, तो उन्होंने एंगल्स का पता लगाया और चार्ट रूम में जाकर उन्होंने विंड की स्पीड्स को देखते हुए चेंज और ये पता लगाया कि विंड की स्पीड जो है वो चेंज हो रही थी। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आर पोजिशन द बेस्ट आई कुड डिटर्मिन वॉज दैट वी वर समवेयर ऑन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। अब देखिए लगभग 1.5 लाख किलोमीटर आगे आ चुके थे और 65 किलोमीटर की दूरी पर इनसे एक आइलैंड था काफ़ी बड़ा। वेयर आई वॉज सिंगिंग सी यू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। अब उनकी जो बेटी थी सुजैन, उसे काफ़ी दर्द हो रहा था उसने, लेकिन फिर भी उसे ज्वाइन करा। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज वेरी स्वेलन, उसकी जो हेड की लेफ्ट साइड थी वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो गई थी। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोज टू स्लिट्स, शी गेव मी अ कार्ड शी मे हैड मेड। उसने सिचुएशन में भी अपने डैडी को एक कार्ड दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन्स कैरी
कैटियर्स ऑफ मैरी एंड मी विद हर विद द वर्ड्स हेयर वी आर सम फनी पीपल डिड दे मेक यू लाफ आई लाफ अ लॉट एज वेल इनसाइड यू इनसाइड वॉज अ मैसेज ओ हाउ आई लव यू बोथ सो दिस इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट सम हाउ वी हैड टू मेक इट। अब देखिए उनकी बेटी जो सुजैन थी यहाँ पर उसने अपने डैडी की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल करने की कोशिश करी, यानी कि उन्हें थोड़ा हंसाने की कोशिश करी और ऐसा हुआ भी। और फिर वो यही सोचने लगे कि हमें जो है कैसे भी सिचुएशन से बाहर आना है। आई चेकड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपस एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विट हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। एक सर एक कंपस देखिए वो खो चुके थे और वो कैलकुलेशंस कर रहे थे, अपनी कैलकुलेशंस को बार बार चेक और रीचेक कर रहे थे सो दैट वो अब कहीं मतलब भटक नहीं जाए, आइलैंड पर सही से पहुँच जाए। आई मेड एन अलाउेंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। उनके डैडी ने वेस्टर्न डायरेक्शन के थ्रू पता लगाया कि इंडियन ओशन से होते हुए हम एक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degrees। अब देखिए यहाँ पर 2 बजे के बाद वहाँ पर उन्होंने स्टेयरिंग को 185 degrees को घुमाने के लिए बोला। इफ़ यू वर लकी आई टोल्ड हिम कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और उन्होंने बोला कि अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 3 घंटे बाद अगर हम लकी हुए तो हमें एक आइलैंड देखने के लिए मिलेगा, दैट यानी कि 5 बजे हम आइलैंड तक पहुँच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट ब्लो क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। वैन आई वोक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडेंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स। अब देखिए जब 6 बजे सोकर इनकी आँख खुली तो इन्हें ये लगा कि हमने आइलैंड मिस कर दिया और अब हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा। एट द मोमेंट अ टाउसलेट हेड यानी कि एक अनटाइडी हेड अपीयर्ड ऑन एट माई बंक। कैन आई हैव अ हग जोनाथन आस्क्ड सी यू वॉज राइट बिहाइंड हिम। उनकी बेटी उनके पीछे थी और जोनाथन जो कि उनके पार्टनर थे वो उनसे बोले कि मतलब हम गले मिल सकते हैं। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ। अब यहाँ पर उनके फादर ने पूछा कि अब ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड नाउ द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड। यहाँ पर उन्होंने उनसे बोला उनकी बेटी ने कि आप बेस्ट डैडी हैं वर्ल्ड के, और यहाँ पर उनके बेटे ने रिप्लाई करा और एक बेस्ट कैप्टन भी। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड वाई यू मस्ट बी सैड सी यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड। अब यहाँ पर उन्होंने उनके बच्चों ने उन्हें बताया कि डैडी आपने फाइनली एक आइलैंड को ढूंढ लिया। अब यहाँ पर चीखते हुए उनके फादर ने बोला मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी हुई। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कोरस एज बिग एज अ बैटल शिप। वो एग्जैक्टली उनके सामने था काफ़ी बड़ा आइलैंड। आई रश डाउन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। देखिए उस आइलैंड का नेम था आइल एम्स्टरडैम और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आइलैंड था वो। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प एस एशोर। अब देखिए वहाँ पर जो 28 इनहेबिटेंट्स थे उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स व फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। अब देखिए यहाँ पर उनके पैरों के नीचे जब दोबारा से ज़मीन आई तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें लगा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन वापस से उनकी लाइफ में आ सकती थी। यहाँ पर फादर ने उनके अपनी बेटी के बारे में सोचा कि कैसे उसने मतलब सर्वाइव किया इतने ज़्यादा क्रूशल आवर्स इतनी गहरी सर पर चोट होने के बाद भी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट हर हेड इंजरी। और उन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचा कि मतलब एक 7 साल की बच्ची जिसने सोचा कि हम उसकी चोट के बारे में नहीं सोचें। और मतलब वहाँ पर उसकी बेटी ने यानी सुजैन ने ये बोला था कि आप मैं चाहती हूँ आप हमें सिर्फ अभी कैसे बचाएं चोट को छोड़िए। तो उसके डैडी को ये वाली बात याद आई और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि उसको 6 minor operations कराने पड़े अपनी बेटी की वो इंजरी ठीक कराने के लिए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और उसने अपने बेटे के बारे में सोचा जो कि 6 साल का था जिसे मौत से कोई डर नहीं लग रहा था, सिर्फ उसे अपने डैडी की फिक्र थी। सो गाइज दिस वॉज द चैप्टर, आई होप इट वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू यू ऑल। और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उन्हें भी इस चैप्टर को अंडरस्टूड होने में हेल्प मिल सके। हॉर्नबिल का ये 2nd chapter है, हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। सो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड शेयर आवर कंटेंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।